ऑल राइट, सो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज तारीख है 23 और 10:30 हुआ सुबह का और अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट तो वैसे 12 बजे का था बट हमें जाना है यहाँ से पटाया, तो पटाया जाने के लिए जैसे कल के ब्लॉग में आपको बताया कि पटाया जाने के लिए 12 बजे का लास्ट बस है और वो पकड़ने के लिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो सब कुछ तो ले लिया है, इधर हम ठेपला खा रहे थे, ठेपला लेके आए बहुत सारे, अभी ख़त्म हो गया। वॉशरूम क्लीन है जितना कितना सब ठीक है। एक बैग लेना है सिर्फ एंड वी आर रेडी टू गो, लेट्स गो। इसलिए बोला था वो नहीं होगा अगर हमें जाना है तो। फाइनली कैब मिल गया है, अभी सारी कोरोला ऑल्टिस चलती है, इसमें भी चल गया टोयोटा कोरोला ऑल्टिस, कंफर्टेबल है काफ़ी, पर अपना सामान नहीं आया बिकॉज पीछे वो LPG का टैंक लगा हुआ था। यहाँ से अभी कितना 300-200 बात हुआ, शायद मेट्रो से भी 150-160 होता है, तो मतलब 50 बात देके आराम से तो जाएंगे एटलीस्ट। मेट्रो लगा ऑफिस है हाँ, यहाँ पे हुआ भी चलता है, हुआ कब का बंद हो गया अपने यहाँ पे। चलो पहुँच गए फाइनली 11:11, जल्दी पहुँचे यार, 10:30 बजे निकले थे, आधे 20-25 मिनट में पहुँचा दिया हमें। अभी ये बड़ी से बड़ी लाइन लगी है बस के लिए और अपनी बस शायद से वैसी रहेगी, वैसी रहनी चाहिए क्योंकि जो ब्लू बस है ना वो ब्लू बस ज़्यादा अच्छी है। सो यहाँ पे देखो डिपॉजिट टाइम पटा है तो 12:30 है ना अपना, ये नॉर्मल वाला बस है सर। एंड 131 बात, 131 बात, वन टिकट 131 बात, राइट। थैंक यू ब्रो। डेपो विच डेपो नंबर 1, ये अपना बस, ये देखो ये टिकट कुछ इस तरह से दिखता है थाईलैंड का, तो यहाँ पे सीट नंबर, टाइम, बस नंबर और प्राइस सब लिखा हुआ है। तो 131 यहाँ पे देख रहे हो, 131 बाथ में एक सीट है, तो ऐसे हमने चार टिकट निकाला हुआ है। 12:30 बजे का बस है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेगा। ये देखो ये अपना बस भी ऐसे ही रहेगा, इसका नंबर है 4810 और अपना बस नंबर है 4826। आप पटाया तक ऐसे पीछे वाले प्राइवेट वैन में भी जा सकते हो बट उसका प्राइस बहुत ज़्यादा, 160-170 बात तक प्राइस है, और जो हमने गवर्नमेंट वाला बस निकाला ना उसका 131 बात प्राइस है, तो उतना डिफरेंस पड़ जाता है। तो अगर आपको बहुत जल्दी जाना है या फिर बहुत अच्छी तरीके से जाना है, ऑब्वियसली बस भी अच्छी है बट और प्राइवेटली जाना है तो थोड़े पैसे खर्चा करो और आपको सब अच्छे अच्छे बस मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काउंटर्स है वहाँ पे, ऑलमोस्ट 7-8 काउंटर्स है वहाँ पे बस के, तो डिफरेंट वैरायटी के बसेस और उसकी सबसे प्राइस भी है, तो उतना आप कर सकते हो। तो ये जैसे मेरे पीछे आपको गाड़ियाँ दिख रही है सब लगी हुई अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, तो इनका ये बेस्ट बस टर्मिनल है, जैसे अब हम लोग अपने बस स्टैंड को बस डेपो या बस स्टैंड बोलते हैं वैसे इधर बस टर्मिनल है, और हर एक बस अपने अपने प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, कुछ भी ढाई नहीं है, गड़बड़ नहीं है, रश नहीं है। तो जैसे अपने बस स्टैंड पे नहीं फ्लैट क्रमांक 1, 2, 3 रहता है, तो वैसे ही इधर बहुत सारे ऑलमोस्ट 23-24 प्लेटफॉर्म्स है, मतलब फ्लैट है, और हमारा बस आएगा फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो ब्लू बस लगा हुआ है ना, तो मुझे जब से आया था मैं एयरपोर्ट पे पहली बार ये बस देखा था और मुझे तब से जाना था ये बस में, क्योंकि बहुत ही अच्छी बस है, पूरी एयर कंडीशनड है,
और सीट्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा अच्छा, तो जब बैठेंगे तो बाकी का डिटेल बता दो, बट बाहर से तो बस बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, तो मुझे बैठना था, तो अभी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। अभी देखते हैं पटाया कैसे, पटाया के बारे में कुछ भी नहीं पता मेरे को। एक्चुअली क्या है ना, टिकट निकालने के लिए भी भीड़ रहती है, लाइन है, पर वो सिस्टमेटिक वे में जाती है, कोई बीच में घुसता नहीं है, कोई घाई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, लोग एक दूसरे को आने जाने देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट वाली बसेस है ना, उससे ट्रैवल करने के बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो बस निकल भी दिखती है, तो अभी ये बस पटाया पहुँचने के लिए लगेंगे 4 घंटे, और हमें बस में बैठने के लिए आधा घंटा, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 घंटा लगने वाला पहुँचने के लिए। शाम होगी, 4-5 तो बजेगा, तब तक आराम करते बैठते। यहाँ पे देखा लोकल ऐसा फ्रूट सेलर ये सब भी को बहुत कम है। इंडिया में कितने ऑप्शन है खाने पीने के। हम लोग एक्चुअली कैब वालों के बोल रहे थे कि हमें यहाँ से छोड़ दे, तो उसका कुछ 1600 बात बोल रहा था, 1600 लिमोजिन लेके जाएगा, पटाया तक छोड़ देगा, बट यहाँ पे हमारा ये 500 में कुछ हो गया, 500 बात में, तो ऑलमोस्ट आधे ट्रिपल कॉस्ट बोल रहा था वो, तो इतना पैसा अपना बच गया उधर के लिए, तो उधर जाके उड़ा सकते हैं। उधर वो लगेज डाल रहे हैं बैग में, मतलब बैग बस के अंदर डाल रहे हैं, तो हर एक बैग के वेट के हिसाब से और एक पैसा भी ले रहे थे, तो उधर उठा के बैग उठा के देख रहा है, और फिर उसके हिसाब से कितना बात होगा वो बता रहा है, तो उतना देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ लगेज का देखना, ये किधर, ये सब लोग लगेज वाले खड़े हैं, देख वो उठाएगा, देख चेक करेगा पहले। चल भाई जल्दी चल, सीट पर रुमाल डालने का है, चल थोड़ा एंड में ही डाल बट्टू भाई, तो पहला अपना ही निकले उधर लाके। अरे क्या दिमाग लगाया है ये जो भी बड़ा बड़ा बैग है ना सब नीचे जाएगा, और हैंड बैग और बैकपैक हम लोग अंदर लेके जा सकते हैं। ये जब तक सामान डाल रहा है अंदर, तब तक ये देखो अपना 4826 ये नंबर यहाँ पे भी लिखा रहता है, और बस के आगे भी लिखा हुआ है, तो यही बस, ये थोड़ी बस अच्छी है बेसिकली, जो पहली आई थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी। ये देखो इसका एंट्री डोर अच्छा लगा, एंड ये पूरा लेंथ भी ओवरऑल ऊपर। हाउ मच बोले बात 20 हां यस 20 ओके रुपए आए 20 बात फॉर 3 बैग्स ओके थैंक यू 1 2 3 1 2 3 ओके चलो अपना लगेज तो अंदर गया, अभी जाके सीट पे बैठना। इधर मुंबई जैसा इंडिया जैसा बेसिकली नहीं है कि जाके पहले सीट पकड़ो, जो पहले जाएगा उसको पहली सीट मिलेगी, हर एक सीट पे प्रॉपर सीट नंबर लिखा हुआ है, तो हमारा 25, 26, 27, 28 चार सीट है, तो सीट नंबर दिया हुआ है, तो कोई रश नहीं करता, कोई गड़बड़ नहीं करता, जाके सिर्फ बैठना है। बस एक था इम्पोर्टेंट कि सामान रखना था, सामान रखने के लिए कितना बात देना, तो हमें मतलब देखना था, इसलिए हम रुके थे, तो चलो अभी जाते हैं, हो गया अपना। चल 25, 26, 27, 27, 27, 27 इधर के इवेंट्स की हालत भी अपने इंडिया जैसी कुछ काम नहीं कर रहा है, सीट्स का क्वालिटी उतना ग्रेट नहीं है, बट यस ये कप होल्डर वगैरह सब दिया है, जो अपने यहाँ पे नहीं रहता, नेट है एज यूजुअल, फुटरेस्ट्स है।
कर्टन। ओवरऑल अच्छा है, ओवरऑल कंफर्टेबल भी है सिटिंग के लिए, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी अच्छा है, और ग्रैब हैंडल्स भी दिया हुआ है हर एक सीट पे, प्लस डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये बीच का अगर डिस्टेंस देखोगे ना तो काफ़ी है। इंडिया में तो वैसे ही नॉर्मल, ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है, एंड ऊपर बैग रखने के लिए भी बीच बीच में जो स्पीकर लगे हुए हैं ना उसकी वजह से उतनी स्पेस मिलती नहीं है लगेज रखने के लिए, जैसे अपने नॉर्मल वोल्वो बसेस में अगर रहते हैं जो स्पीकर रहता है ऊपर, तो फिर हम लगेज नहीं रख सकते, वही कंडीशन है यहाँ पे। तो अभी टाइम हुआ 12:30 शायद बस निकल जाएगा अभी, और पहुँचने के लिए 3.5-4 घंटा लगेगा, मतलब आराम से 4 बजे ही पहुँचने वाले हम लोग, और तब तक आराम से बैठना है, सोना है और मज़े करना है। ये बस तो निकल गई, अभी फाइनली हम निकल गए, टाइम हो रहा है 12:38, 10 मिनट आगे पीछे तो होता ही है, तो अभी बस 4 घंटा लगने वाला, 4 घंटा बस में ही है, पता नहीं कहीं पर रुकेगी नहीं रुकेगी या डायरेक्ट ही जाएगी, तो ये शायद से जाएगी पटाया बस स्टेशन, बस टर्मिनल बेसिकली, तो वहाँ से आगे हमें जहाँ पे जाना है होटल वो आधा घंटा है, तो वहाँ से एक तो कैब करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर टुक टुक रहेगा तो वो करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे मेट्रो नहीं है शायद, पटाया में मेट्रो नहीं है ऐसे मैंने सुना है, तो देखते कैब वाला किधर लेके जाता है। और अभी मैं देख रहा था कि सीट को हैंड रेस्ट भी नहीं है, देख तो कुछ भी नहीं है, सो बेसिकली उतना कम्फर्टेबल नहीं है, उतना लग्जरियस बस नहीं है, बट येस ओवरऑल बहुत अच्छा है, मतलब कम्फर्टेबल है आप लॉन्ग जर्नी के लिए, ऐसे नहीं कि आपके बैक पेन होगा या फिर कम्फर्टेबल नहीं है सीट्स, ये रिक्लाइन भी होती है तो आराम से सो के जा सकते हैं। ओके तो अभी हम पहुंच तो गए हैं पताया बस टर्मिनल, टाइम हुआ 2:45, जल्दी पहुंचा है ना इसने, मुझे लगा तो 4-5 घंटा लगा पहुँच, हाँ एकदम फास्ट आया भाई। कितने बजे का, 12:30-1:15 बैठे थे हम लोग, तो 2 घंटे में पहुंचा दिया। तो देखो ये बस टर्मिनल, और यहाँ से हमारे होटल जाने के लिए अभी ग्रैब देख रहे हैं, एक्चुअली जैसे अपने यहाँ पे ओला उबर चलता है वैसे यहाँ पे ग्रैब चलता है, तो ग्रैब ऑटो ग्रैब ऐसी सब मिल सकता है, तो ग्रैब में 4 लोगों का 150 रुपीज़ बता रहा है SUV का, और ये जो गाड़ी है यहाँ पे गाड़ी ये ऑटो जैसा है ना जो सब लोग बैठे हैं ऊपर, इसका एक का 50 रुपये बता रहा है, 50 या 100 रुपये एक का, तो बोला कि ग्रैब में अगर सस्ते में हो रहा है तो वही करते हैं। क्या बात है, इनका ओला उबर भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, देखो Isuzu लेने आए MUX। क्या स्पेस है यार डिक्की में, ये भी ना बात सारे ट्रांसपोर्टेशन के सब कर लिए, चलो पहुंच गए यहाँ पे, होटल है सेंटारा पटाया होटल, यहाँ पे पटाया को पत्तैया बोलते हैं, जैसे नेपाल में मस्टैंग को मुस्तांग बोलते हैं। चलो अभी चेक इन करते हैं और देखते हैं कि रूम कैसा है, उधर का बैंकॉक का तो रूम अच्छा ही था, अभी होटल देख के लग रहा है कि रूम थोड़ा अच्छा ही रहेगा। लेट्स सी, ये सामान का ट्रॉली है, मतलब अच्छा है, बट यहाँ पे बहुत कॉमन सा है। होटल तो बहुत अच्छे थे अशोक, होटल अच्छा मुझे तो। अरे पुल के बारे में पूछना रह गया, इसको पूछ लेते, ये देखो यहाँ पे मस्त है पर बहुत भीड़ भी है।
अच्छा ऐसा एयर भी है। अच्छा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो क्या लगा एंड आई थिंक यू नीड टू ओपन ऑल अच्छा वो खूब अच्छा है। इधर भी ये कांच का बोतल ही है देखना। ये अच्छा है, हर एक होटल में कांच का बोतल यूज़ करते हैं, कांच के सब सामान है, प्लास्टिक बाहर यूज़ करते हैं बाहर। ये थोड़ा बड़ा है ये एक्चुअली ये कैसा पता है फैमिली के लिए भी अच्छा है। फैमिली खाओ ये होटल और अच्छा है उससे भी। इधर पूल में जाते हैं, बालकनी भी है। तो आपको फटक से एक रूम टूर दे देता हूँ क्योंकि यहाँ का रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बैंकॉक से अच्छा मुझे ये रूम लगा और बहुत ज़्यादा एयरी, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट। तो यहाँ से आगे से स्टार्ट करता हूँ एक्चुअली क्योंकि उधर मज़ा है। ये हमारा मेन डोर है, यहाँ से निकलते बाहर। ये जो बी वाला है वो आशुक है, बीच में पार्टीशन, और ये ए वाला हमारा। अंदर आने के बाद ये साइड वॉशरूम, कमोड यहाँ पे है, बाथ एरिया एंड ये बेसिन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे बाथटब है। मतलब वैसे मुझे नहाने के लिए एक घंटा लगता है, अभी दो तीन घंटा पता नहीं कितना लगेगा। अपना वो बबल वॉश लाया क्या बाथ का? अरे यार लाना चाहिए, पहले बताया होता तो लाना चाहिए। मजा यहाँ पर है ना, पर देखता हूँ रुक। बॉडी वॉश नहीं, यहाँ पे नहीं है कुछ। शैम्पू कंडीशनर रखा हुआ है, बॉडी लोशन रखा हुआ है शायद इसी के लिए। टूथब्रश सेट मिला है, सोप मिला है। यहाँ के होटल्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत कुछ देते हैं। अपने इंडिया में ना जो 3 स्टार 5 स्टार है वही देते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे होटल ऐसे देते हैं। ये यहाँ पे कबर्ड, अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, हैंगर्स एज यूजल। और ये सी यहाँ पे मैं शूज़ रखे मेरे, बट ये हर एक होटल में आपको ये पहनने के लिए स्लीपर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे देख दो पैर है, एक पैर मेरा एक पैर निकिता का, तो वो वाले होटल में भी था बट वहाँ पे एक ही पैर था। ये सेफ ऑब्वियसली, इसमें अपने थाई भात जाने वाले, बिकॉज थाई भात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। थाई भात लेके हर जगह नहीं घूम सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन, अराउंड 27,000 थाई भात थे हमारे पास। तो जितने लगते हैं ना 3-4 हज़ार एक दिन का, उतना ही लेके घूमते, बाकी का सब ये सेफ में जाता है। बिकॉज यहाँ पे सब लेके घूम नहीं सकते, थोड़ा रिस्क है। और तो मतलब कहीं मिसप्लेस हो गया, फिर कहीं पे रह गए तो फिर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, वापस कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मगजमारी है। तो ये अपना मिरर रेडी होने के लिए अच्छा है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं था ये मिरर, एक ही था छोटा सा। ये लैम्प फंक्शनल रहेगा ऑब्वियसली। बड़ा सा बेड, क्वीन साइज बेड है ये, हाँ प्रिंसेस बेड है। फिर यहाँ पे टी कॉफ़ी है, ये जो भी है ना कैशू नट्स स्प्रिंकल्स और ये पानी, ये सब चार्जेबल है। इसमें सारे कॉस्ट लिखे हुए देखो। पानी ये दो बोतल जो कांच का है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी जो पानी है मिनरल वाटर 500 ml मिलता है 85 का। और बियर भी रखे हुए, चैंग बियर है 80 का और ये सिंगा बियर है 80 का। और बियर तो आपको दिखाना भूल गया। ये आपने थाईलैंड में ये फ्रिज खाली खाली था, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, पताया तो पताया है। तो जैसे ही आप उसको खोलोगे ये सारा नज़ारा है यहाँ पे। तो एक दो तीन टाइप का बियर और दो सोडा, दो ये है स्प्राइट और कोका कोला, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल्स जो 85 rupees की। ये भी बाहर 60 rupees का मिल रहा था, यहाँ पे 80 rupees का। और ये रहा टीवी, जहाँ पे हम कुछ देख नहीं सकते सारे, क्योंकि सारे चैनल्स थाई लैंग्वेज में आते हैं। ये बड़ा सा मिरर जहाँ पे हम अच्छे से रेडी हो सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से दिख भी रहा है। यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे बैठो, मेकअप करो और पूरा पताया घूमने जाओ। ये इसके बाद मेन अट्रैक्शन ये है बालकनी। बालकनी बहुत ओपन वाइड होती है दोनों साइड से। यहाँ पे बैठने के लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट्स है, ऊपर लाइट है एंड ये सामने का व्यू, सामने पूल है बेसिकली वो। ठीक है, तो ये सामने बीच में जो दिख रहा है ना वो पूल एरिया है, और ये तीनों साइड से होटल कवर है। वो एक बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग, और ये दूसरे साइड से बिल्डिंग। तो
तीनों साइड से होटल कवर्ड है और बीच में पूल है, तो अभी पूल में जाने का प्लान है, बट उसके पहले खाने जाना है हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट दोपहर का 3:48 हुआ है, ऑलमोस्ट 4 बजने आए और हमने कुछ भी नहीं खाया, जिस ये बिस्किट खा रहा था मैं अभी, तो बिस्किट खाया मतलब चलने तक की ताकत आ गई है, अभी चल के जाएंगे, फिर जहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है वहाँ पे रुकेंगे, खाना खाएंगे, वापस पूल में जाएंगे, क्योंकि पूल का टाइम है 7 PM तक। निकिता को यहाँ पे गोवा का वाइब आ रहा है। किसका? इसका चाबी कितने? नहीं इसका नहीं है, ये अंदर लॉक है। ओके अच्छा जी, हम लोग वापस 7-Eleven में आ गए, क्योंकि इंडियंस का सेवियर 7-Eleven ही है यहाँ पे। यहाँ पे ये सब बड़ा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है 7-Eleven में। और यहाँ पे मैं आपको बियर का प्राइस बता देता हूँ, बियर किधर रखा हुआ है, हाँ ये रहा, ओ 11-14, 17-24, बीच का 14-17 में नहीं मिलेगा, जैसे खुलता है यहाँ पे वापस आ जाएंगे देखने के लिए क्या प्राइस है। अभी फ़िलहाल तो पानी का बॉटल लेने आए, बिकॉज पानी बहुत महंगा है यहाँ पे, जनरली 6 बात का मिलता है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्राइस है, क्योंकि बैंकॉक से पता है थोड़ा चीप है, यही है ना, सेम प्राइस है क्या? हाँ, सेम ही है। इनका जैकफ्रूट देखो कैसे, और ये मैंगो, मैंगो तो अच्छा है, जैकफ्रूट भी रखा है बेचने के लिए, फणसाचे गरे पण ठेवलेले, और जो जैकफ्रूट के अंदर का जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। अभी अपना खाना आ गया, ठीक है, पनीर हंडी, क्या पनीर बटर मसाला और रोटी ले लो तुम लोग, ले लो नहीं नहीं ऐसा लगा कितने महीनों के बाद इंडियन गए। अच्छा हाँ, तो अभी हम लोग खाना खा के आए, यहाँ पे बैठे थे, अलकाज़ार शो का टिकट बुक किया है, और आज शाम का प्लान ऐसा है कि अलकाज़ार शो है 7 PM, उसका टिकट निकला तो वो देखने जाना है, पर उसके पहले आज 23 January है, मेरा बर्थडे, तो मुझे पता नहीं था कितना इधर केक भी मिलेगा, क्योंकि ये लोग मुझे नहीं पता, ये लोग बैंकॉक देख रहे थे केक, तो उनको मिला नहीं, फाइनली मिल गया, तो अभी कट करते हैं। आशुप्रिया और निकिता, पता ये प्लान किसका? हम लोग के होस्ट का अभी बर्थडे है, होस्ट ने इतना अच्छा व्लॉगिंग किया है थ्रू आउट द ट्रिप, तो उसके लिए हम लोग ने गिफ्ट बाद में रात को मेलोडी देगा तो अभी लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स कट द केक। जेली में डुबा के रखा है, पहली बार इंडिया के बाहर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं, एक ही बार हॉस्टल भी गया था घर के बाहर, आता था मैं वाला फोटो करके, देखो अपने होस्ट एक्सप्रेशंस देखिए, होस्ट ना मेरी शादी तो पीछे जा उसके, पहले में तेरा पहला प्यार है, बट वो तेरा आखिरी प्यार है, उधर तो नहीं था अपने यहाँ पे, नहीं था, हम लोग देखा ऊपर का, ओके सो वी आर रेडी, अभी टाइम हुआ है 6:41, 7 PM का शो है ये, रात टिकट अलकाज़ार शो का, मुझे लगता है 1.5 घंटे का शो रहेगा, निकिता भी रेडी है, तो ये शो में एक्चुअली शूट करना अलाउड नहीं है, मैं पता नहीं कैमरा भी लेके नहीं जा सकता, तो एक्चुअली मैंने GoPro लाया था लेके जाने के लिए, बट वो भी नहीं लेके जाऊँगा, इनकेस अगर चेकिंग वगैरह हुआ तो तकलीफ़ नहीं चाहिए, तो
All of us at Alcazar Cabaret, the singers, dancers, performers, crews. ओके तो अभी अल्कासर शो देख के हो गया, एक घंटे का ही शो रहता है और टाइम हो रहा है रात के एक, मतलब हम लोग कितने 7 बजे का शो था, 7 से 8 शो देखा एंड अभी 1 बजे। तो बीच में क्या हुआ, तो जैसे शो देख के बाहर निकले 8 बजे, हमें दिखा फुट मसाज पार्लर। तो सोचा कि इतने दिन से चली रहे तो एक बार फुट मसाज कर ले, क्योंकि अल्कासर के बाद कुछ भी प्लान नहीं था सच। बोला कि चलो फुट मसाज ही कर लेता है। और उसके बाद नाइट मार्केट भी चालू हो गया, तो नाइट मार्केट में थोड़ा खाने पीने का देखा और मैंगो स्टिकी राइस बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। अगर आप थाईलैंड या फिर कहीं पे भी आ रहे हो ना ये साइड, तो मैंगो स्टिकी राइस पक्का ट्राई करना, क्योंकि मैं ये सेकंड बार खा रहा हूँ। आपको लास्ट वाले व्लॉग में भी बताया था जो हमने बैंकॉक में खाया था, बट यहाँ का भी बैंकॉक का ज़्यादा टेस्टी था। यह नहीं, मैंगो के ऊपर है। अगर मैंगो अच्छा रहेगा ना तो आपका वो पूरा राइस अच्छा लगता है। बट कल और परसों दोनों बार जब तक है यहाँ पे तब तक खाने, क्योंकि नींद आना चालू हो गया, क्योंकि थाई मसाज बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और वो 1 घंटे में आप कुछ भी बाकी का सोचता नहीं है, सिर्फ आराम करना है, रिलैक्स होना है। तो आते हुए हम पार्सल लेके आए थे, क्योंकि खाने पीने का कुछ भी भरोसा नहीं था और वो टाइम पे भूख भी नहीं थी। तो अभी भूख लगी है, तो दोपहर को जो खाया था ना पुलाव, वही हम पार्सल लेके आए, निकिता खा रही है, उसके बाद मैं खाऊंगा और फिर सो जाएंगे। और कल का प्लान कल के व्लॉग में बताता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब डाउन बिलो एंड देन आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।